हेलो नोवर्स, आप सभी को स्वागत करते हुए द नोवर्स कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पे। आज का अपना जो वीडियो रहेगा वो अपने जो BGIS का पार्ट वन का फॉलो अप वीडियो रहेगा, जिसके अंदर हमने बताया था कि जो BGIS का टूर्नामेंट में प्राइस पूल वगैरह, उसके पैटर्न वगैरह, उसका फॉर्मेट वगैरह हमने बताया था। तो अभी जो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे BGIS के रूल बुक के बारे में, क्योंकि पहले वाला पार्ट ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि 27 मिनट्स का था, तो काफी ज्यादा लेंथी हो रहा था, तो इसकी वजह से हमने उसको भी थोड़ा सा एक तरह से हमने सोचा कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो इसलिए आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कि हमारे चैनल के अंदर सिर्फ 412 सब्सक्राइबर्स हुए, तो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप जो सब्सक्राइब कर लेना। और अभी बढ़ते हैं अपने मेन वीडियो के टॉपिक के ऊपर, उससे पहले इंट्रो को रोलिंग कर दिया जाए। तो मैं आपको एक और बार फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो आप जरूर से हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। या तो यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सीरीज के ऑफिशियल कंपटीशन के रूल बुक की तरफ बढ़ते हुए, आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो है कि क्राफ्टन फिलहाल के लिए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का सारे राइट्स को वो ओन करता है, तो ऑफकोर्स उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया है। और साथ ही साथ ये जरूर से पढ़ना है कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है टूर्नामेंट में, तो आपको सारे जनरल रूल्स वगैरह को फॉलो करने पड़ेगा, एज वेल एज टूर्नामेंट के रूल और साथ ही कॉम्पिटिशन के स्पेसिफिक रूल्स को। और आपको ये जरूर से ध्यान रखना है कि आप जरा से भी इन रूल्स को तोड़े नहीं, अगर तोड़ेंगे तो आपको जरूर से पढ़ सकते हैं, या फिर आपका प्राइज वगैरह फॉरफिट हो सकता है, आपका ये भी हो सकता है क्वालिफिकेशन जो भी सिक्योर किया वो सारा आप लूज कर सकते हो, और पॉइंट्स वगैरह भी आप लूज कर सकते हो। आपको ये जरूर से ध्यान में रखना है। तो जो सबसे मेन रूल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्लेयर्स की एलिजिबिलिटी, प्लेयर्स की एलिजिबिलिटी के सबसे पहले रूल ये रहेगा कि प्लेयर का एज एटलीस्ट 16 ईयर्स या फिर उससे ओल्डर रहना चाहिए। अगर वो 16 के नीचे है तो ऑफकोर्स उसे अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि BGMI खेलने का फर्स्ट रूल, जब जैसे ही लॉग इन करते हो तो हम सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि आप मिनिमम 16 ईयर्स के होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप 16 ईयर्स से ज्यादा हो लेकिन आप 18 ईयर्स से कम हो, तो आपको ये जरूर से ध्यान रखना है कि आपके पेरेंट्स की तरफ से एक एनेक्सर फॉर्म वगैरह फिलअप करवाना पड़ेगा और उनको BGMI वाले को सबमिट करना पड़ेगा। तो वो एनेक्सर फॉर्म कहाँ मिलेगा, सारे डॉक्यूमेंट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो के। तो आपको इस वाले डॉक्यूमेंट के सबसे बिलो में जाना पड़ेगा, बिलो में सारे फॉर्म्स वगैरह अवेलेबल है। यहाँ ये जो मेंबर्स के सर्टिफिकेट वगैरह, जो एक्सेप्टेंस फॉर्म, जो जो मेंबर्स होंगे आपके स्क्वाड के अंदर, उन सभी को ये फॉर्म भरना पड़ेगा और उन सभी को BGMI में सबमिट करना पड़ेगा। उसका एक अलग पोर्टल वगैरह होगा, तो आप वहाँ से जरूर से जाके सबमिट कर सकते हो। और जब अपना जो सेकंड फॉर्म वगैरह होगा, जो क्या होगा, पेरेंट और गार्डियन कंसेंट, क्योंकि अगर आप 16 ईयर्स से ज्यादा हो लेकिन 18 एज से कम में आपका एज है, तो आपको जरूर से ये वाला फॉर्म भी फिलअप करना पड़ेगा। देख सकते हैं माइनर इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह वो सब भी मांगेंगे, तो आपको ये जरूर से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले एलिजिबिलिटी एज के बारे, तो आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो चलते नेक्स्ट वाले रूल की तरफ। सेकंड वाला रूल ये रहेगा कि अगर आपके कोई भी टीम मेंबर्स क्राफ्टन के एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, ना ही कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज के अंदर आपका कोई मेंबर काम करना चाहिए, आपके जो प्लेयर्स नेम्स वगैरह होंगे उनको अप्रोप्रिएट होने चाहिए। और आपको ये जरूर से ध्यान रखना है कि अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं होंगे तो क्राफ्टन जरूर से आपको इन्फॉर्म करेगा कि या तो फिर चेंज राइट्स रखते कि आपका जो गेम अटैक वगैरह रिजेक्ट कर सके सोलली कि आपका गेम अटैक अप्रोप्रिएट नहीं था। सो अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो फिर टूर्नामेंट रिलेटेड इवेंट्स के ऊपर रूल रहेगा कि सारे प्लेयर जो भी एग्री कर रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, उन सभी को ये जरूर से ध्यान में रखना होगा कि जो भी BGMI के रिलेटेड जो भी इवेंट हो, जैसे इंटरव्यूज हो गया, प्रेस ब्रीफिंग्स हो गया, स्पॉन्सर इवेंट्स हो गया, फिर फोटो वीडियो शूट हो गया, तो आप सभी को उन सब में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर वो आपको पहले इन्फॉर्म करते हैं और उसके बारे में अगर आप कन्फर्म वगैरह करते हो, तो आपको जरूर से आपको उन सब में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एक तरह से उनका मार्केटिंग और प्रमोशन कराने के लिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन रहेगा 2021 में BGMI के रिलेटेड। सो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं रोस्टर रिक्वायरमेंट्स के। इसके एक तरह से तीन मेन पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि चार प्लेयर रिक्वायर्ड होंगे और चार प्लेयर से ना कम ना ज्यादा प्लेयर्स अलाउड रहेंगे। अगर आपके अगर मेंबर्स अगर लास्ट मोमेंट में अगर नहीं आ पाते हैं किसी भी मैच के अंदर, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है आपकी टीम डिस्क्वालीफाई हो सकती है। ऐसे एक क्वाड जरूर से बनाना जिनके प्लेयर्स यहाँ पे 24/7 ऑनलाइन रहे। और जो कि अपने बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि टीम कैप्टन पे है, जब आप अपनी स्क्वाड को रजिस्टर करोगे वहाँ पे एक सेक्शन आएगा टीम कैप्टन करके, आपको वहाँ पे अपने स्क्वाड नंबर को टीम कैप्टन के अंदर डालना पड़ेगा। ये सीन ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आपका जो टीम का आईजीएल है वो आपके यहाँ पे टीम कैप्टन के रजिस्टर करे, जी नहीं, आपको आप ऐसा मेंबर को सेलेक्ट करें जो एक तरह से 24/7 ऑनलाइन रहता है, क्योंकि एक तरह से जो भी टूर्नामेंट के जो भी कम्युनिकेशन वगैरह होंगे आपके टीम कैप्टन की तरफ से रहेंगे, तो आपको प्लेयर हमेशा ऑनलाइन रहना चाहिए, हमेशा बातचीत करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। और ये जरूर से ध्यान रखना है कि जो भी टीम कैप्टन की तरफ से रिस्पॉन्स रहेगा वो ऐसे स्क्वाड वहाँ पे गिना जाएगा, और जो टीम का कैप्टन है वो आप
आपकी टीम के रोस्टर के अंदर सारे मैप्स के अंदर टीम का कैप्टन रहना चाहिए, क्योंकि एज अ रिप्रेजेंटेटिव आपकी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले रिक्वायरमेंट्स की तरफ, जो जब अपना रोस्टर और टीम रजिस्टर करोगे उसके लिए। सो इसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि आपके जो भी प्रोवाइडेड जो लिंक है, जो कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का लिंक जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी लिंक के द्वारा आपको अपने टीम को रजिस्टर करना पड़ेगा। और साथ ही जैसे ही रजिस्ट्रेशन पीरियड खत्म होगा, तो इसके रोस्टर्स लॉक लॉक कर दिए जाएंगे। रोस्टर्स वगैरह अगर आपको कभी अगर अपना रोस्टर वगैरह चेंज करना है, तो आपको उसके लिए जरूर से एक आध दो स्टेप और लेने पड़ेगा। लेकिन ये जरूर से ध्यान में रखना है कि क्राफ्टन उसे कभी भी डिसअप्रूव कर सकते हैं आपके रिक्वेस्ट को। सो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि ओनर से मतलब स्लॉट के ऊपर है। अगर आपकी टीम अगर जीतती है और क्वालिफायर्स राउंड वगैरह पास करती है और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होती है, तो आपका जो स्लॉट रहेगा वो ऐसा टीम ओनर के साथ रहेगा, ना कि जो प्लेयर्स पे रहेगा। तो आपको इधर से ध्यान रखना है। लेकिन उसके साथ एक और भी रिक्वायरमेंट ये रहेगा कि एटलीस्ट 50% ऑफ द रोस्टर खेलने चाहिए जो कि क्वालिफाइंग इवेंट में रजिस्टर किए थे। और अगर ये होता है कि आपकी टीम अगर दो ग्रुप्स में अगर स्प्लिट डाउन होती है, इसमें 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 ऐसा थ्री सिनारियो उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट्स बताए। तो पहला सिनारियो ये रहेगा कि तो आपके जो एक ग्रुप में से अगर जिन्होंने भी जिन दो बंदे ने भी आपका अगर सेम टीम नाम अगर रखा हुआ है, तो वो वाला स्लॉट उन पे जाएगा। ये पहला सिनेरियो। और सेकंड सिनेरियो में ये रहेगा कि आपकी जो ओरिजिनल टीम है वो किसी एक इंडिविजुअल ने रजिस्टर किया, ना कि किसी एक तरह से ऑर्ग ने। तो आपको ये जरूर से ध्यान में रखना है कि वो वाला स्लॉट ओनर डिसाइड करेगा कि कौन से स्क्वाड की तरफ रहेगा। और साथ ही साथ उनके एटलीस्ट दो मेंबर होने चाहिए उनके रोस्टर के अंदर। और थर्ड सिनेरियो ये रहेगा कि ओरिजिनल टीम एक प्लेयर ओन्ड है, ना कि किसी इंडिविजुअल और ना ही किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी के द्वारा। तो जो जो भी टीम कैप्टन है वो डिसाइड करेगा कौन से बंदे स्लॉट में आएंगे करके। सो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि प्लेयर इक्विपमेंट एंड अपैरल पे रहेगा। प्लेयर्स जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हो उन सभी को सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन के अंदर ही खेलना रहेगा। नो एमुलेटर नो आईपैड अलाउड है। और साथ ही साथ इसके अंदर इन गेम अपैरल की भी एक रूल ये है कि जैसे ही प्लेयर इन गेम लॉबी को लीव करता है, जैसे ही वो मैच के अंदर एंटर करता है, तो उसका अवतार जो या फिर जो भी ड्रेस है फुल्ली टाइम वो इक्विप्ड रहना चाहिए जो कि रिमाइंडर ऑफ द मैच। और साथ ही साथ ये जरूर से ध्यान रखने के आपके जो ड्रेस वगैरह आप किसी और स्क्वाड या फिर किसी भी इंस्टेंस में आप चेंज ना करें। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ, जो कि अपना स्पॉन्सरशिप पे रहेगा। तो सबसे पहले पॉइंट पढ़ते हैं प्रोहिबिट स्पॉन्सर। तो कोई भी टीम या फिर कोई भी प्लेयर ये जरूर से एनकरेज करते हैं कि आप स्पॉन्सर्स के साथ आप जरूर से एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए। लेकिन बीजीएमआई एंड साथ ही क्राफ्टन का ये जरूर से रूल है कि आप उनके साथ स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते। रेड फ्लैग लिस्ट के कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि जैसे कि ड्रग्स या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स हो गया, कैनेबिस प्रोडक्ट, क्रिप्टो करेंसी वगैरह वगैरह। तो आप अगर आप उनका अगर कोई भी स्पॉन्सरशिप लेते हो, तो आपकी टीम को डिस्क्वालीफाई करने का राइट मतलब बीजीएमआई रखती है, और आपकी स्क्वाड को जरूर से वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। आपको ये जरूर से ध्यान रखना है ऐसे कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप में या फिर एंडोर्समेंट में ना रहे जो कि बीजीएमआई के रेड फ्लैग लिस्ट के अंदर आता है। तो अभी नेक्स्ट रूल्स की तरफ बढ़ते, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, तो ये एज यूजुअल हाई स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल। सारी टीम को एक अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप निभाते हुए सारे मैचेस को खेलने, और साथ ही साथ सारे ऑर्गेनाइजर्स के साथ आपको अच्छी तरह से व्यवहार करना है करके वो सब मेंशन है। कॉम्पिटिटिव इंटेग्रिटी, आपको हमेशा अपना बेस्ट ऑफ द स्किल्स दिखाना है इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिशन मैच। तो अभी बढ़ते प्रोहिबिटेड कॉन्डक्ट की तरफ, जो कि सबसे पहला था कोलिजन। कोलिजन मतलब आपके जब प्लेयर दूसरे टीम मेंबर का एक तरह से एग्रीमेंट या फिर एक तरह से बातचीत में आके एक तरह से प्राइज मनी को जब स्प्लिट की बात आती है, तो एक तरह से उसे कोल्यूशन बोलते हैं। तो आपको ये जरूर से ध्यान में रखना है कि आप उस कंडक्ट को ना करें, तो उसके वजह से आपकी पूरी टीम को एक तरह से डिस्क्वालीफाई कर सकते। तो आपको इससे हमेशा थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि हमने देखा है कि इन रिसेंट स्क्रीम्स काफी सारे टीम्स एक तरह से दूसरे टीम्स को टारगेट करते हुए नजर आ रहे। तो वैसा अगर टारगेटिंग अगर बीजीएमआई के अंदर स्पॉट डाउन हुए, अगर आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर पकड़े गए ऐसा स्पॉट डाउन होते हो, तो आपकी टीम को एक तरह से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और साथ ही उसके ऊपर एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, चीटिंग या फिर किसी भी तरह का हैक्स या फिर किसी भी तरह का कॉन्फिग वगैरह भी। अगर आप स्पॉट डाउन होते हो तो आपको डायरेक्टली बैन कर सकते हैं सारे कॉम्पिटिशन मैचेस के अंदर, और साथ ही इन फ्यूचर जो भी कॉम्पिटिशन होगा उसके अंदर भी। आप कुछ भी एक्सप्लॉइटिंग ना करें, आप कुछ भी रिंगिंग वगैरह का उपयोग ना करें। और साथ ही साथ आपको ये जरूर से ध्यान रखना है कि आप किसी भी वल्गर और हेटफुल स्पीच का यूज ना करो, क्योंकि आप जैसे लैन के अंदर एंट्री करोगे तो आपके आपके चारों तरफ कैमरा ही कैमरा हो सकता है। तो आपके अगर स्ट्रीम में अगर ऐसा कुछ अगर शब्द वगैरह का यूज करते हो अगर पकड़े जाएंगे, तो ऑफकोर्स एक तरह से बीजीएमआई बैड ऐसा फैल सकता है। तो इसीलिए आपको उसका यूज नहीं करना, ना ही वायलेंस या फिर
एक तरह से जो भी जो बेसिक वगैरह रूल्स होते हैं जो कंपटीशन के अंदर, आपको उसका जोर से ध्यान में रखना, ना ड्रग्स ना अल्कोहल ना कि कोई गैम्बलिंग। और आपको तो ये तो पता है कि जो भी टीम मेंबर्स अगर लैंड में पहुंचते हैं तो आपको स्पेक्टेटर मॉनिटर सर्च डिवाइस वहां पे प्रोवाइड किए, आपको नहीं प्रोवाइड किए जाते, एज ए व्यूअर्स और एज ए ऑर्गेनाइजर उनको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि ऐसे ऐसे स्ट्रीम वो कर सके और एज ए लार्ज ऑडियंस को प्रोवाइड कर सके। तो कोई ये जोर से ध्यान रखने कि आपका जो आई कांटेक्ट है वो कभी भी किसी मॉनिटर पे नहीं जाना चाहिए। अगर स्पॉट डाउन होते हैं तो एक तरह से वो भी एक तरह से चीटिंग के अंदर ही आता है, क्योंकि एक तरह से आपको एक बड़ा मैप का व्यू भी मिल सकता है, और साथ ही आपको एक दूसरा प्लेयर का लोकेशन और स्लैश दूसरे प्लेयर का व्यू वगैरह देखने को मिलेगा। तो आपको ऑफिस ऐसे ऐसे चीटिंग वो अंडर वो केस को शट डाउन कर सकते हैं। तो अभी के लिए बढ़ते हैं अनप्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर, हरासमेंट सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह ये सब आते हैं। तो आपको ये सारे के सारे रूल्स अगर आपको डीपली अगर पढ़ना है तो इसका पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, आप जरूर से वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो अभी के लिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जो बढ़ते हैं नेक्स्ट के अंदर। तो ये सारे तो ठीक है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये ड्रॉप आउट एंड रिफ्यूजल टू पार्टिसिपेट ये वाला रूल जरूर से पढ़ते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी टीम मेंबर है रजिस्टर करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री करती है कॉम्पिटिशन के अंदर, तो अगर वो बाद में अगर डिसाइड करते हैं कि वो ड्रॉप आउट करेंगे और रिफ्यूज करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी टूर्नामेंट गेम के अंदर, तो आपको ये जोर से ध्यान में रखना है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह किए जा सकते हैं बाई द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ पे ऐसे मेंशन किया, और साथ ही रिटर्न पब्लिक वार्निंग भी मिल सकता है। प्राइस अगर कुछ भी अगर प्राइस वगैरह जीतते हो तो आपको वो भी फॉरफिट कर सकते हो, और साथ ही के बदले में आपको एक तरह से फाइन भी वगैरह डाल सकते हैं, आपको एक तरह से सस्पेंशन वगैरह कर सकते हो, साथ ही डिस्क्वालीफाई एंड बैन भी वगैरह मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉम एनी फ्यूचर टूर्नामेंट्स और अदर इवेंट रिलेटेड टू बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो आपको इधर से ध्यान में रखना है कि आप तब भी रजिस्टर करें जब आप पूरी तरह से कंफर्म है, और ना ही ऐसे किसी भी तरह से टाइम पास के लिए आप जरूर से रजिस्टर ना करें, वो हैवी रिस्क हो सकता है। तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ। पॉइंट रहेगा जो अपना ओनरशिप ऑफ स्ट्रीम से ब्रॉडकास्ट रहेगा, जैसे पढ़ सकते हैं अपेयरिंग इन ए स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट और इन ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ एनी टूर्नामेंट डज नॉट गिव ए टीम मेंबर एनी ओनरशिप इंटरेस्ट इन सच स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट और ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग। अभी के लिए तो ये सारे रूल्स अभी तो सब बेसिक वगैरह आप पढ़ सकते हो, ये सब आपके नॉलेज के लिए है। अगर इन फ्यूचर अगर कुछ भी अगर चेंजेस वगैरह होते हैं जो कि हमने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जरूर से जाना, इन फ्यूचर वो चेंजेस होने के चांसेस रहेंगे तो उसके बारे में यहाँ पे जरूर से चेंज लॉग में वो मेंशन करेंगे। तो अभी के लिए बढ़ते नॉर्मल कॉम्पिटिशन रूल्स की तरफ, जो कि हमको पता है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 19th of July से लेके 1st of August तक, जो कि संडे को खत्म हो रहा है। तो आपका टाइम ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ 13 to 14 days का टाइम रहेगा, तो आपको उसी टाइम ब्रैकेट के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट दिन से ही इन गेम क्वालिफायर स्टार्ट हो जाएगा, जिनके 7 days के ब्रैकेट के अंदर टोटल 1000 teams क्वालिफाई होंगे। तो इसके बारे में ये कैसे क्वालिफाई होंगे जो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर हमने डिटेल में बता चुके हैं, तो आप अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप फटाफट से वो वाला वीडियो भी देख लो। हम बढ़ते स्कोरिंग सिस्टम के अंदर, जो कि स्कोरिंग में रहेगा कि आपको पता है कि एक मैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ 16 टीम्स ही अलाउ रहेंगे, तो उन 16 टीम्स के अंदर प्लेसमेंट पॉइंट जोर से चेकआउट कर सकते हैं। जो टीम अपने लिए चिकन सिक्योर करेगी वो अपने लिए टोटल 15 पॉइंट यहाँ पे सिक्योर करेगी, और साथ ही सेकंड टीम टोटल 12, थर्ड टीम जो आएगी वो अपने लिए टोटल 10 पॉइंट यहाँ सिक्योर करेगी, फोर्थ पोजिशन पे जो भी आएगी वो 8 पॉइंट जरूर से सिक्योर करेगी, फिफ्थ पोजिशन पे जो आएगी वो 6 पॉइंट यहाँ से लेके जाएंगे, और सो ऐसे पढ़ सकते हैं सिक्स पोजिशन पे 4 पॉइंट, सेवन पोजिशन पे 2 पॉइंट, 8 to 12 पोजिशन के बीच में आएंगे तो आपको जरूर से 1 पॉइंट मिलेगा, और 13 to 16 पॉइंट के बीच में आपको 0 पॉइंट मिलेगा। तो और साथ ही एवरी फिनिश इज वर्थ 1 पॉइंट, एवरी किल इज 1 पॉइंट। तो आप जितना ज्यादा किल करोगे उतना ज्यादा आपके टॉप पे आने के चांसेस वैसे ही बने रहेंगे। तो अभी के लिए फिर बढ़ते हैं टाई ब्रेकर्स की तरफ। टाई ब्रेकर में आप 4 सिनेरियो को मैच करेंगे, अगर दो टीम अपने लिए टॉप पे अगर लेके आ पाते, दोनों दोनों टीम्स के अगर लास्ट में अगर सेम पॉइंट्स रहेंगे, तो आपको फर्स्ट क्राइटेरिया ये रहेगा कि टोटल टाइम्स ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्लेसमेंट अक्रॉस ऑल द टूर्नामेंट गेम्स, मतलब कौन सी टीम सबसे ज्यादा चिकन डिनर सिक्योर करेगी उस वाली टीम को एक तरह से विनर घोषित कर देगा। अगर अगर देखा जाए तो लास्ट के दो टीम जो आती है टॉप पे, अगर उन दोनों एक तरह चिकन डिनर के काउंट अगर अगर सेम होंगे तो नेक्स्ट वाला क्राइटेरिया बढ़ेंगे, जो कि टोटल अक्यूमुलेटेड प्लेसमेंट पॉइंट्स अक्रॉस ऑल द टूर्नामेंट गेम्स, एक तरह से सारे पोजिशन पॉइंट्स को अगर एनालाइज करेंगे वो कौन सी टीम के प्लेसमेंट पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे वो एक तरह से विनर विनर घोषित कर दिए जाएंगे, और जो सेकंड पोजिशन पे एज यूजुअल वो रनर अप घोषित कर दिए जाएंगे। तो अगर वो भी नहीं है, अगर वो भी अगर सेम अगर होते हैं तो एक तरह से थर्ड थर्ड क्राइटेरिया को चेक करें, जो कि टोटल अक्यूमुलेटेड फिनिशेस एज यूजुअल किल्स के कितने पॉइंट्स उन्होंने इकट्ठे किया तो उसके मुताबिक विनर घोषित कर देंगे। अगर कभी भी अगर सारे मतलब दोनों स्क्वाड के अगर सेम किल पॉइंट्स अगर रहेंगे तो फोर्थ फोर्थ क्राइटेरिया भी बढ़ेंगे, जो कि प्लेसमेंट इन द मोस्ट रिसेंट मैच, जो कि उनका जो लास्ट वाला मैच है अपने आप को कौन से पोजिशन पे लेके आए वो वाला मैटर रहेगा, और वो डिसाइड करेगा कि विजय इसके कॉम्पिटिशन में
अपने लिए टॉप पे लेके आके अपने लिए विनर का पोजीशन लेके जाएगा, तो ये जरूर से ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक तरह से इन्होंने ग्लिच का भी इन्होंने एक तरह से कॉम्पनसेशन पॉइंट दे रहे हैं। सबसे पहले ये मैं बताता हूँ कि कॉम्पनसेशन पॉइंट क्यों दिया जा रहा है। आपको पता है कि कभी कभार पैराशूट एक तरह से आसमान में फिर से पुल एक तरह से वापस से, आपने कभी कभार नोटिस किया होगा कि आप जैसे लैंड करते हो, लैंड करने के बाद आप फटाफट से एक बार वापस आसमान में चले जाते हो एक तरह से ग्लिच की तरह से, क्योंकि एक तरह से कभी कभार नेटवर्क इशू होता है जिनके वजह से ये दिखाया जाता है कि आप प्लेन में कि आप ऑलरेडी लैंड हो चुके, लेकिन ऑन द सेकेंड एक तरह से स्विच होता है फिर आप वापस से एक तरह से आसमान में पहुंच जाते हो। तो एक तरह से वहां पे दिया हुआ है कि सेकेंड बार अगर लैंड करते हो, अगर आप तभी कितने फिनिश हो जाते हो या फिर आपका जो प्लेयर एटलीस्ट 60 सेकेंड्स के अंदर अगर वो फिनिश हो जाता है तो एक तरह से आपको 2 पॉइंट्स का वो कंपनसेशन पॉइंट देंगे, क्योंकि एक तरह से BGIS का वो ग्लिच है, वो इन जनरल वो पबजी मोबाइल में भी होता था, तो एक तरह से 2 पॉइंट्स ऑलरेडी दे रहे हैं। लेकिन आपको ये जरूर से ध्यान में रखना है कि अगर अगर इस बात को अगर BGIS अगर कंफर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर उस टाइम पे अगर उन्होंने स्ट्रीम को अगर चेक नहीं किया आपके पर्सपेक्टिव पे, या फिर आपका अगर अपने अगर आपका गेम स्क्रीन का अगर रिकॉर्डिंग फाइल अगर आपने नहीं दिया तो इसका के बारे में वो आपको कंपनसेशन पॉइंट का डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो आपको ये जरूर से ध्यान में रखना है कि आप हमेशा स्टार्टिंग पीरियड जो होता है आपका लैंडिंग का, तो आप उससे जरूर से रिकॉर्डिंग करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने रिकॉर्डिंग करना भूल गए और अगर आपके प्लेयर अगर एलिमिनेट हो गए इस वाले ग्लिच की वजह से, तो आपका जो 2 पॉइंट्स का भी लीड वगैरह आप खो सकते हो। और साथ ही साथ ये जरूर से ध्यान रखना है कि उस रिकॉर्डिंग फाइल को एटलीस्ट 30 मिनट्स आफ्टर द फाइनल मैच ऑफ द डे उसे सबमिट कर देना है। टूर्नामेंट एडमिन वगैरह चेक करेंगे और उसके कंपोजिशन पॉइंट आपको ग्रांट कर सके। तो ये जोर से ध्यान में रखना होगा कि फिर आदमी बढ़ते प्राइजेस की तरफ। प्राइजेस एज यूजुअल प्राइस पूल इसके पार्ट वन वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अगर आपका फेलियर होता है, मतलब आप प्राइज मनी को आप ले नहीं पाते हो विद इन 90 डेज, तो एक तरह से आपका जो प्राइज मनी फॉरफिट हो सकता है और साथ ही साथ लॉस ऑफ द प्राइज बोल सकते हैं। तो बस यही सब रूल्स थे। और साथ ही साथ ये जो नेक्स्ट वाले फॉर्म है आपको हमने ऑलरेडी बताया जो टीम मेंबर सर्टिफिकेट और एंड एक्सेप्टेंस फॉर्म, इस फॉर्म को सारे मेंबर्स के द्वारा भराना पड़ेगा। इस वाले फॉर्म को कैप्टन के द्वारा भी भरना पड़ेगा, तो ये जो से ध्यान में रखना। और साथ ही साथ कोई भी मेंबर अगर एक तरह से 18 एज के कम और 16 एज के ज्यादा है तो पेरेंट या फिर अपने गार्डियन के कंसेंट का फॉर्म जरूर से भरना पड़ेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सारे जो भी सारे माइनर प्लेयर्स के लिए, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस वाले दो फॉर्म को जरूर से सबमिट कर दे। तो आपको पता है कि BGIS के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहाँ पे एक बॉक्स रहेगा जिनके अंदर सारे मेंबर्स का अपना एक आईडी वगैरह आईडी प्रूफ वगैरह डालना पड़ेगा, जिनके अंदर आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह डाल सकते हो। तो उसके मुताबिक आपके एज वगैरह को ऑलरेडी वो एक तरह से कंफर्म कर देंगे इन द डेटाबेस। तो आपको उसके मुताबिक आपको अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ेगा, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म रहेगा। तो बस यही थे BGIS के सारे रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो आप अगर आपको अपना ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको लगा कि अपना ये जो वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप जरूर से लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत, और अगर आपको कुछ भी अगर डाउट वगैरह है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपका जो भी डाउट अगर आप इजिली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो आप जरूर से अपना डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। हम वहाँ पे एक तरह से वॉइस चैट में आके हम आपका डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं। तो आपको जरूर से अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम वहाँ पे अलग अलग टूर्नामेंट्स वगैरह भी पोस्ट करते हैं। टूर्नामेंट्स हो जाते हैं, डेली स्क्रीम्स वगैरह हो जाते हैं, और काफी सारे गेम्स भी हम वहाँ पे प्ले करते हैं ऑन द डेली बेसिस। तो आप जरूर से अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लेना। तो अभी के लिए बस वीडियो यहीं पे खत्म होते हुए, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो जरूर से बोलना नहीं, अपना डिस्कॉर्ड सर्वर ऑलरेडी मौजूद है। तो दिस इज TNC मामा पे एंड TNC टॉक्सिक साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, सी यू।